आपके नहीं है वो, मेरे हस्बैंड है, आपके पापा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गढ़वाली यूट्यूबर असंभव गुना। सो आज जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया है, सफाई ज़ोरों शोरों पे है, पूरे पूरे ज़ोरों शोरों पे है। तो यहाँ पर आज मनीष की छुट्टी थी तो मैंने सोचा कि जो भी मेरे काम बचे हुए हैं वो कर लूँ फटाफट से। तो अब श्राद्ध चले हैं, नवरात्र आने वाले हैं, तो डीप क्लीनिंग तो हर रूम की वैसे भी करनी ही करनी है। पर होता यह अब नवरात्रों के लिए मैं रुकी रहूँ ऐसा भी पॉसिबल नहीं होता है। जहाँ मुझे दिख रहा है कि हाँ ये गंदा हो रहा है, साफ़ करना है, तो वहाँ तो करना ही करना है, चाहे दो दिन बाद फिर से करना हो। तो यहाँ पर मैंने कालीन वगैरह सब कुछ उठा के, सोफ़ों की सेटिंग चेंज करके, मशीन जो वॉशिंग मशीन मेरी वहाँ रखी रहती है वो सब मैंने बाहर कर दिया था, क्योंकि मेरे को बिल्कुल खाली स्पेस चाहिए। तो मैंने आज फिर से सेटिंग थोड़ी चेंज करी है, यहाँ पर चेयर्स लगा दी है। तो ये जो टेबल है इसको मैंने एज अ डाइनिंग टेबल यूज़ करा है, क्योंकि कांच वाला डाइनिंग टेबल लेने का अभी कोई प्लान नहीं था। क्योंकि होता ही है, सब कुछ अपना जेब देख के ही खर्च करना पड़ता है, और वैसे भी सारांश इतना ज़्यादा शैतान है कि उसके सामने कांच की कोई चीज़ मैं ऐसे नहीं रख सकती हूँ। तो मैंने इनको बोला जब तक ये थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता, समझदार नहीं हो जाता, तब तक हम इसी से काम चला लेते हैं। क्योंकि जब हम घर बनाते हैं, एक एक चीज़ उसमें जोड़ते हैं ना, तो कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जिसमें हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने इसको डाइनिंग टेबल के रूप में ले लिया है, तो मैंने सोचा इसको यहाँ पे लगा देती हूँ। क्योंकि जब खाना खाना होता है ना, तो सारांश हमें सारांश मोस्टली सोफ़ों पे रहता है, इसलिए मैंने सोफ़ा एक अंदर रख दिया और यहाँ पर टेबल लगाया। अभी मैंने झाड़ू लगाया और मेरे हस्बैंड जी को अभी ये याद आया। तो यहाँ पर मैंने अभी सारे घर में झाड़ू लगा लिया था, उसके बाद मनीष जी को याद आया, ओ मेरी तो आज छुट्टी है, तो क्यों ना मैं भी इसकी थोड़ी हेल्प कर दूँ अपने। उससे तो वो मेरी हेल्प कर रहे थे, पर यहाँ पर उन्हें पता नहीं चला कि वो मेरे लिए और काम बढ़ चुका था। वॉशिंग मशीन बाहर निकाल के रखी है, क्योंकि 4-5 दिन में मशीन भी मैं बाहर रख देती हूँ ताकि धूप दिख जाए, मतलब धूप सेक ले वो भी, वरना पता नहीं चलता है ना पानी हम यूज करते हैं उसमें डाल डाल के, तो कहाँ पानी फंस जाए, कब क्या हो जाए, इसलिए। और क्लीनिंग हल्की फुल्की ही करने लगी थी, क्योंकि फिर नवरात्रों में भी करनी है डीप क्लीनिंग हर एक जगह की, पर अभी आज ही हो गई डीप क्लीनिंग, अच्छी बात है। तो मैं मनीष जी को बोल रही थी कि आप रहने दो, आप रहने दो भाई, आपको कभी कभार छुट्टी मिलती है, आप रेस्ट करो, मैं अपने आप कर लूंगी। क्योंकि मैं मनी मन में सोच रही थी यार झाड़ू तो लगा दिया, फिर से लगाना पड़ेगा। ये जो टेबल आप देख रहे हैं ये पूरा लकड़ी का, मतलब ऐसा था ये दिखने में ऐसा, तो इसको पहले मैंने पेंट किया है पूरा, खुद ही अपने इन हाथों से पेंट किया है। जब यहाँ पर पुट्टी का ये पुताई का काम चला था तो मैंने सोचा मैं भी पेंट कर लूँ, क्योंकि दरवाजों का थोड़ा सा बच गया था। फिर एक दो चीज़ें करी मैंने पेंट, पहले मैंने इसको किया, मैंने सोचा क्योंकि ये 3 सेक्शन में है तो एज अ मतलब शोकेस यूज हो जाएगा, क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ों को भी वापस रीयूज करके अच्छा लगता है। फिर मैंने इसके लिए ये लेके आई हूँ ये, फिर मैंने काट काट के चिपकाया है, यहाँ पे नहीं चिपकाया है, यहाँ पे फ्रंट में चिपकाया है ये। तो अब मैं इसको यहाँ पे रखती हूँ, और मुझे एक दो चीज़ें लेनी हैं, जैसे शो पीस टाइप लेने हैं, पर अभी सारा छोटा है इसलिए मैं ये तो मना करते हैं बिल्कुल कि अब भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है लेने की। और जाले बिल्कुल झड़ चुके हैं, अच्छी तरह से साफ हो गए सारे घर के जाले। और आज ही मैंने वो स्टिकर भी लगाना जो मैं कल लेके आई थी। सोच रही हूँ इनकी आज छुट्टी, इनकी क्या सभी की छुट्टी है, विश्वकर्मा डे है, तो हैप्पी विश्वकर्मा डे सबको। तो यहाँ पर आज पूरी छुट्टी का फायदा उठाया जा रहा था, जहाँ जहाँ उन्हें जरा सा एक कतरा भी दिख रहा था वहाँ वहाँ वो पहुँच रहे थे, चाहे उन्हें सोफों के ऊपर चढ़कर साफ करना पड़े, चाहे टेबल के ऊपर। और हर जगह मैं पूरा क्लीन कर चुकी थी, और मेरा ये प्लान था कि जो ये जाले वगैरह झाड़ने का है ये संडे के दिन कर लेंगे, क्योंकि होता है ना आजकल जब रूटीन चेंज होती है तो सारे काम फटाफट फटाफट करने पड़ते हैं। सर का ऑर्डर आया कि पहले तुम अपना नहा धो लो, झाड़ू पोछा बाद में हो जाएगा, और ये छोटे सर पहले ही तैयार बैठे हैं नहाने के लिए।
तो लगभग 11:30 बजे तक मेरा काम कंप्लीट हो चुका था और मनीष जी भी चले गए थे अपने काम निपटाने के लिए, क्योंकि जो जिस दिन छुट्टी रहती है जेंट्स की तो वो सोचते हैं जो बाहर के जो भी छोटे मोटे काम है वो निपटा लिए जाए, क्योंकि फिर उनको टाइम नहीं लगता है, ऑफिस जाओ फिर शाम को आओ फिर वही कामों की टेंशन। तो इसीलिए जब भी मनीष जी की छुट्टी होती है तो वो नहीं रुकते हैं घर पर, चाहे वो 3-4 घंटे के लिए जाएँ पर वो जाते ज़रूर हैं। और यहाँ पर मम्मी जी भी बैठे हुए थे और डॉली ने मुझे आकर बताया था कि चाची मम्मी नीचे तैयारी कर रही है, मशीन की पूजा करेंगी, विश्वकर्मा डे है। तो मैंने बोला था अपनी मम्मी को बोल के आ मुझे भी ज़रूर बुलाना, मैंने शूट करना है, सबको दिखाना है। तो यहाँ पर वही डिस्कशन चल रहा था कि कब दीदी फ़ोन करके बुलाएंगे, और तब तक सारांश जी तो पूरे अपने हल्ला गुल्ला सब कुछ कर ही रहे थे, क्योंकि दादी के सामने तो बच्चों की ऐसी पावर बढ़ जाती है कि भाई अब मम्मी भी कुछ नहीं है, अब दादी बैठी हुई हैं तो मम्मी भी कुछ नहीं बोलने वाली है, क्योंकि मेरे से तो वो डर जाता है, अकेले में मैं उसको कुछ भी बोलती हूँ वो मान लेता है, पर दादी के सामने तो भाई चाहे सारांश हो चाहे अनिका हो या आध्या हो, तीनों के तीनों तो ऐसे हो जाते हैं कि बस हमें बड़ी पावर मिली हुई है, हमें कोई कुछ नहीं बोल सकता है। और यहाँ पर पूरा फ़ायदा उठाया जा रहा है मेरे सब्र का, सारांश ऊपर से नीचे कूद रहा है, नीचे से ऊपर कूद रहा है, जबकि मैं उसको डांट भी रही थी बीच बीच में, क्योंकि बाकी चीज़ें बाद में है, सारांश के ही अगर लग जाए तो फिर वो हो जाएगा। इसीलिए तो आज कौन सा डे है बताइए, इधर मुंह करके बताइए ना कि आप यहाँ देख के बताइए आई है विश्वकर्मा डे। तो आज आप क्या कर रहे हैं? आज मशीन की पूजा करते हैं। आज दीदी मशीन की पूजा कर रही है क्योंकि दीदी सिलाई करती हैं, तो उन जो आप मशीन यूज करें उनकी पूजा भी करें, ऐसा कुछ। तो दीदी मशीन की पूजा कर रही हैं। गुड़ है वो, गुड़ गुड़ का भोग लगाएंगे। गद्दे गए हैं बाहर सूखने। प्रसाद भी लो, प्रसाद ये लीजिए प्रसाद। तो यहाँ पर डॉली हमको देख देख कर बिल्कुल खुश हो रही थी, और कैमरा देख के तो अनिका बिल्कुल हीरोइन हो जाती है, सारी इसके अंदर की हीरोइन बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर तीनों के तीनों लगे हुए थे गुड़ और मिश्री के चक्कर में कि हमें और दे दो हमें और दे दो, क्योंकि होता ही है गुड़ मिश्री चीनी ये सब चीज़ें बच्चों को इतनी पसंद होती हैं क्योंकि मीठी होती हैं। पर सारांश को तो नीचे आके ऐसा हो जाता है कि मैं कितना ही दंगा कर लूं, क्योंकि ऊपर तो मैं उसको बिल्कुल कंट्रोल में रखती हूं कि बेटा ये नहीं वो नहीं, तो नीचे आके वो सोचता है कि बस यहां पर तो जितना मर्जी दंगा कर लो। और तीनों बच्चे जब एक साथ होते हैं और कैसे भूलोगे आप और हम ना पूजा और हम पूजा कर रहे थे और ताई जी ने बोला कि हम भाग रहे थे, फिर मैंने चौक निकाला था और आप नो आना बस अब आप भी भूल गए ना। तो छोटी सी सारांश ने भी वॉइस ओवर किया है क्योंकि उसका भी बीच बीच में मन कर जाता है मुझे देखकर वॉइस ओवर करने का। मेरे कंप्यूटर जिससे
तो यहाँ पर डॉली ने बोला कि चाची ट्राइपॉड भी आपके लिए उतना ही जरूरी है, आप इसको हर वक्त साथ रखते हो तो इसकी भी हम पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बोला हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही कह रही है भाई, चाहे छोटी सी चीज हो बड़ी चीज हो, जब वो आपके इतने काम आ रही है तो लगाव हो जाता है एक। और जैसे कि मुझे ट्राइपॉड से बहुत लगाव हो चुका है, तो वो उसको भी हो चुका है, वो देखती है क्योंकि कि चाची इसको दिन रात अपने साथ ही रखती है कि कहीं भी शूट करना पड़ जाए। तो यहाँ पर वो बोल रही थी चलो चाची इसकी भी हम पूजा कर लेते हैं, तो मैंने उसको बोला था चल तू कर ले। तो अब मैं जो वॉलपेपर लेके आई थी वो लगाने का टाइम आ गया है, तो मैं इसको बेडरूम में जहाँ मेरी वॉल लगी हुई है उस दीवार पे ही लगाऊंगी, क्योंकि सिर्फ वहीं पर ही स्पेस बचा हुआ था, बाकी सब दीवारों पे मैंने स्टिकर्स लगा रखे हैं। ये कुछ ऐसा है और ये इसी तरह से पीन करने वाला नहीं है, निकालने वाला नहीं है, पहले मुझे लगा था कि ऐसे करके निकालने वाला है। तो ये जो स्टिकर है इसके पीछे छोटे छोटे से चिपकाने के लिए दिए हुए थे, तो उससे ही चिपकाना था। तो यहाँ पर मैं जितनी एक्साइटेड थी, डबल एक्साइटेड तो मेरा बेटा था ही। ये देखिए बिल्कुल साथ साथ चिपका हुआ है, उसको उसके फ्लावर के साथ दो बटरफ्लाइज मिली हुई थी, उसको लेके खड़ा हुआ था कि मम्मा आप लगा लो उसके बाद मैं लगाऊंगा, क्योंकि पहले स्टिकर्स में भी ऐसा हुआ है, लास्ट में हमने सारान से ही लगवाया है, क्योंकि बच्चे का भी मन होता है और उसको कितना मना करो, क्योंकि हम जो कर रहे होते हैं वो बच्चे का भी बिल्कुल मन करता है, वो बिल्कुल नोटिस करता है सब कुछ कि हमारे मम्मी पापा क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो हम उसको कोई भी एक्टिविटी करने से मना नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने उसको रोका हुआ था कि बेटा आप लास्ट में लगाना, तो यहाँ पर इसलिए वो संयम से बिल्कुल खड़ा भी हुआ था। अगर हम बच्चे को आराम से समझा दें कि बेटा अभी मम्मा कर रही है बाद में आप करोगे, तो वो इजीली समझ जाते हैं। वो हमें लगता है कि बच्चे छोटे हैं समझ नहीं पाएंगे, पर जितना मैंने सारांश के साथ नोटिस किया है, हम जितने प्यार से बच्चे को एक चीज़ समझा देते हैं वो अच्छे से समझ जाते हैं। तो यहाँ पर स्टिकर लग चुका था और ये जो वीडियो है सारांश ने बनाई थी। तो गाइस अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा। बाय बाय।